सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो टॉप 10 न्यूज़ ते मैं तुहाडे नाल रमन बाजवा खबरां दा आगाज़ कर लैने आ। कॉमनवैल्थ खेडां 2022 विच पीवी सिंधु दी अगुवाई वाली बैडमिंटन टीम राष्ट्रमंडल खेडां विच सोन तगमा जितन तों खुज गई है। खेडां दे मिश्रत टीम मुकाबले दे फाइनल विच भारतीय टीम मलेशिया तों 1-3 नाल हार गई है। खेडां विच भारत दा एक कुल 13वां तगमा है। इस तों पहलां 5 सोन, 4 चांदी अते 3 कांसी दे तगमे हासिल होए सन। इस तों पहलां मंगलवार नूं लॉन बॉल्स महिला टीम अते टेबल टैनिस टीम ने सोन तगमा जितया सी। भारत टेबल टैनिस विच 6वें नंबर ते बरकरार है। भारत के वेटलिफ्टर विकास ठाकुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की राष्ट्रमंडल खेडा 2022 में चांदी का तगमा जीत लिया। उसने तगमा 96 किलो वर्ग में जीत लिया। विकास ने कुल 346 किलो पार चुके हैं। बर्मिंगम में हो रही राष्ट्रमंडल खेडा भारत का 12वां तगमा, इन्होंने 8 मैडल वेटलिफ्टिंग आए ने। अपनी जीत तो बाद ठाकुर ने सिद्धू मूसेवाला के स्टाइल में तगमे की जीत का जश्न मनाया। उन्होंने इस जश्न की वीडियो सोशल मीडिया से वायरल हो रही है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान अज पंजाब दे विधायकां नाल मीटिंग कर रहे ने। इस दौरान उह सूबे दे विकास कार्जां दा जायजा लैणगे। जलंधर थाना सदर अधीन आउंदे खामड़ा विच उस वेले स्थिति तनावपूर्ण हो गई जदों गुरद्वारा साहिब विच इक कुड़ी वल्लों रुमाला साहिब नाल छेड़छाड़ की गई, जिस नूं मौके ते मौजूद लोगों ने काबू कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना सदर पुलिस पार्टी मौके ते पहुंची। जदों लड़की रुमाला साहिब नाल छेड़छाड़ करन दी कोशिश कर रही सी तां गुरद्वारे दे पाठी ने उस नूं देख लिया ते उस समय उस ते काबू कर लिया। पुलिस मुताबिक गिरफ्तार की गई लड़की किसी होर भाषा विच गल कर रही सी अते उस तों लगदा सी कि उह मानसिक तौर ते परेशान सी। फिलहाल पुलिस ने मामले की डूंघाई नाल तफतीश आरंभ दित्ती। पंजाब सरकार ने सूबे विच पटवारियों की असामियों का पुनर्गठन करने का फैसला करते हुए नवा नोटिफिकेशन जारी किया है। इस मुताबिक हुण पंजाब विच पटवारियों दी कुल 3660 असामियां होणगियां, जदों कि इस नोटिफिकेशन तो पहला पंजाब विच पटवारियों दी कुल 4716 असामियां सन, जिन्हां विचों सरकार ने 1056 असामियां खत्म कर दित्तियां ने। पंजाब सरकार के माल विभाग वालों जारी नोटिफिकेशन मुताबिक लुधियाना जिले में 345 असामियां मंजूर की गई सन। इस तों बाद सरकार पटवारखानियां लई नवीं हद तय करने की प्रक्रिया अपनाएगी। इस विच सरकारां दा अधिकार खेतर वधाया जाएगा। देश विदेश तो तखत श्री सचखंड श्री हजूर साहिब के दर्शनों नूं पहुंच रही संतां नूं आ रही परेशानी नूं मुख रखदिया बहुत जल्द नंदेड़ लई वख-वख जगह तो हवाई सेवावां शुरू हो जा रही ने। इन्हां विचारां दा प्रगटावा तखत सचखंड श्री हजूर साहिब बोर्ड के नव नियुक्त चेयरमैन डॉक्टर परविंदर सिंह पसरीचा, साबका डीजीपी महाराष्ट्र ने पंजाब तो पहुंचे वफद जिसकी प्रधानगी सरदार रुपिंदर सिंह शामपुरा चीफ पैटरन नानक साई फाउंडेशन नंदेड़ साहिब कार्य सन ने चोवें पत्रकारों की हाजिरी में कही है। डॉक्टर पसरीचा ने कहा कि तखत साहिब नाल संबंधित रुके हुए कार्ज मुड़ सुचारू ढंग नाल व्यवंतबद्धी करके शुरू कर दिए गए। हरियाणा के पानीपत जिले में स्कूल तो छुट्टी से छप्पड़ च नहाउण गए 3 विद्यार्थियों की डुबण कारण मौत होने की खबर है। यह दर्दनाक हादसा जिले के पिंड गढ़सराय में वापरिया। 3 बच्चों की मौत तो बाद पिंड में सोग की लहर फैल गई है। स्कूल के 3 विद्यार्थी पिंड के ही गढ़सराय सरकारी स्कूल में पढ़ते सन। स्कूल छड्डण तो बाद यह सारे विद्यार्थी पिंड के छप्पड़ से नहाउण लई गए, जिथे उन्होंने पानी में डुबण कारण मौत हो गई है। पुलिस ने लाशों नूं कब्जे में लेके पोस्टमार्टम लई जलन हस्पताल भेज दिता है। डुबण वाले 3 बच्चों की पहचान हितेश, अभिषेक और नवीन वजो हुई है। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में हरियाणवी गायक राकेश श्योराण और उसके भरा से गोलीबारी की गई है। इस हमले में दोवें वाल वाल बच गए ने। राकेश श्योराण दादरी में भिवानी रोड के पावर हाउस नेड़े रात्रि जागरण में प्रोग्राम पेश करन गए से। गोलीबारी में कलाकार राकेश और उसका भरा वाल वाल बच गए ने। गोलीबारी तो बाद जागरण में भगदड़ मच गई। गोली चलाने वाले नौजवान फरार दस जा रहे हैं। महिला कलाकार से फायरिंग की सूचना से सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने 2 नौजवानों खिलाफ वख-वख धाराओं तहत केस दर्ज कर लिया। पंजाब के कई हस्पतालों में केंद्र वालों शुरू की गई आयुष्मान योजना हुण दम तोड़ रही है। इस स्कीम के बंद होने का कारण पंजाब सरकार वालों पैसा ना देना है। पीजीआई चंडीगढ़ वालों पंजाब के मरीजों का मुफ्त इलाज करना बंद कर दिया गया है। आयुष्मान योजना तहत पीजीआई में मरीजों का इलाज मुफ्त में नहीं किया जा रहा। कारण पंजाब सरकार वालों 21 दिसंबर 2021 तो 16 करोड़ की बकाया राशि की अदायगी ना करना है। दस दईए कि सरकार ने पिछले 8 महीनों तो पैसे नहीं दिते। इस तो पहला GACH 31 अप्रैल 2021 तो ही मरीजों का मुफ्त इलाज नहीं कर रहा। इस सदका 1 अगस्त तो पीजीआई में आयुष्मान योजना तहत मरीजों का मुफ्त इलाज नहीं हो रहा।
देश विच इन्हीं दिनी दो खतरनाक वायरस तबाही मचा रहे ने। एक पासे जिथे मंकी पॉक्स फैलना शुरू हो गया उथे ही कोविड के मामले विच भी लगातार उतार चढ़ा देखने को मिल रहा है। दस दईए कि पिछले 24 घंटिया दौरान देश भर विच कोविड के 17,135 नवे केस सामने आए ने। मंगलवार के मुकाबले अज करीब 3,500 नवे मरीज सामने आए ने। इस दौरान एक्टिव मरीजों की गिनती 13,757 हो गई है। पंजाब भर में एक बार फिर तो कोरोना अपना भयानक रूप दिखाने लगा है। एक बार फिर तो तेजी नाल कोरोना की गिनती बढ़न लगी है। पंजाब विच एक दिन विच सामने आने वाले कोरोना के नवे मरीजों की गिनती विच 3 गुना वाधा होया है। 1 जुलाई में नवे मरीजों की गिनती 141 सी, उथे 27 जुलाई में एक गिनती बढ़ के 584 तक पहुँच गई है। फिलहाल टॉप 10 खबरों के इस बुलेटिन च इन्ना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों की जानकारी बने रहो साडे नाल छोटी का टाइम टीवी ते। धन्यवाद।